हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेकमैन सुरेश चैनल। दोस्तों, आप देख सकते हैं यह महिंद्रा जीतो मिनी वैन LXD 2019, जो कि महिंद्रा का कमर्शियल पैसेंजर का सबसे छोटा व्हीकल है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को इस गाड़ी का प्राइस, स्पेसिफिकेशन, माइलेज और इस गाड़ी का कुछ हाईलाइट्स पॉइंट के बारे में बताऊंगा। और यदि आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो फिर चलो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसका बिल्ड एंड डिजाइन से। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जीतो मिनी वैन LXD का स्टाइलिश क्रोम फिनिश में बैजिंग। और ये है दोस्तों इस गाड़ी का एक साइड लुक और ये है इस गाड़ी का फ्रंट लुक। आप लोगों को इस गाड़ी का लुक कैसा लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बात करते हैं दोस्तों इस गाड़ी का फ्रंट लुक से। तो फिर सामने आपको देखने को मिलता है महिंद्रा का लोगो, उसके साथ महिंद्रा का सिग्नेचर ग्रिल और लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलता है स्टाइलिश हेडलैम्प और उसके साइड में आपको देखने को मिलेगा इस गाड़ी का इंडिकेटर्स। नीचे आपको छोटा सा रिफ्लेक्टर लगाने के लिए भी स्पेस मिलता है। बात करें दोस्तों इस गाड़ी के शोरूम प्राइस की, इसका शोरूम प्राइस शुरू होता है 3,39,245 रुपये, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा का प्राइस है। और दोस्तों बात करें इस गाड़ी के रियर लुक की, तो फिर पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको महिंद्रा का लोगो देखने को मिलता है और इसके साइड में आपको देखने को मिलेगा इस गाड़ी का स्टाइलिश रियर लाइट्स। बात करें दोस्तों इस गाड़ी का सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट की, इसका सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट है इसका माइलेज। कंपनी क्लेम करता है इसका माइलेज आपको लगभग 26 किलोमीटर पर लीटर का मिलता है। और आप देख सकते हैं इसका पैसेंजर रो में आपको ग्लास विंडोज देखने को नहीं मिलता। बात करें दोस्तों इस गाड़ी का फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 10.5 लीटर। ब्रेक्स की बात करें, सामने डिस और पीछे ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलता है। और सस्पेंशन में सामने MC फार्सन स्ट्रट और पीछे सेमी ट्रेलिंग आर सस्पेंशन देखने को मिलेगा। और टायर की बात करें, इसमें आपको 12 इंच का टायर 8 प्लाई रेटिंग के साथ देखने को मिलता है। इंजन में आपको इसमें देखने को मिलेगा सिंगल सिलेंडर वाटर कूल 625 cc का इंजन, जो कि मैक्सिमम 16 hp का पावर और 38 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और दोस्तों चलिए देखते हैं इस गाड़ी के पैसेंजर सीट की। तो फिर आप देख सकते हैं ये है इस गाड़ी के पैसेंजर सीट, पीछे आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको इतना ज़्यादा स्पेस मिलता है कि आप चाहे तो यहाँ पर भी एडिशनल सीट भी लगवा सकते हैं। और इसका जो लेग रूम है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और बात करें दोस्तों इस गाड़ी का सीट क्वालिटी की, तो फिर आप देख सकते हैं इसमें आपको बेहतर सीट क्वालिटी देखने को मिलेगा। और इसका बूट स्पेस की बात करें, यदि मैं आपको दिखाऊँ तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सफिशियंट बूट स्पेस मिलता है ज़रूरी सामान लेने के लिए। और इसका सीटिंग कैपेसिटी है, ड्राइवर के साथ आराम से इसमें 4 लोग बैठ सकते हैं। बात करें इस गाड़ी का डायमेंशन की, इसका लंबाई है 10 फीट 10 इंच, चौड़ाई है 4 फीट 9 इंच और इसका हाइट है 5 फीट 7 इंच। इसका व्हील बेस है 2250 mm और इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm। और दोस्तों आप देख सकते हैं इस गाड़ी का जो पैसेंजर सीट है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है। और चलिए देखते हैं दोस्तों इस गाड़ी का ड्राइवर केबिन। इस गाड़ी का ड्राइवर केबिन दिखने में बहुत ही सिंपल लगता है। इसका ड्राइवर सीट और इसका को पायलट सीट में आपको दोनों साइड में हेडरेस्ट देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं इसका जो ड्राइवर सीट है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल दिखने में लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ड्राइवर सीट और को पायलट सीट में हेडरेस्ट दिखने को मिलेगा। और बात करें इस गाड़ी का ट्रांसमिशन की, आपको इसमें 4 स्पीड ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, 4 फॉरवर्ड 1 रिवर्स गियर। और आप इसका स्टेयरिंग व्हील को देख सकते हैं, इसमें दोस्तों आपको मैनुअल स्टेयरिंग देखने को मिलेगा। और यह इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जो कि बहुत ही बेसिक सिंपल के साथ आपको इसमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है इस गाड़ी का ट्रांसमिशन, जो कि 4 स्पीड आपको इसमें देखने को मिलता है, 4 फॉरवर्ड 1 रिवर्स गियर। और इसके साथ आपको यहाँ पर ऊपर एक 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये है इस गाड़ी में एक छोटा सा ग्लोव बॉक्स, जो कि को पायलट सीट के सामने आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों इसमें ड्राइवर के साथ आराम से 4 लोग बैठ सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा बोतल होल्डर भी दोस्तों आपको इसमें देखने को मिलता है। ये था इस गाड़ी का ड्राइवर केबिन का एक ओवरऑल लुक और इस गाड़ी के बारे में एक छोटा सा रिव्यू। आप लोगों को ये गाड़ी कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप इस गाड़ी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं इसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।